इसमें आ जाएगा आपका ऑप्टिक्स के बाद एट से 13 मेन और 94 में और कॉलन लगा के उस जगह का नाम कैलिफोर्निया सर मेकअप आप कुछ नहीं कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं वो तो ब्रैकेट में चल रहा है ना चल रहा है ना कंटिन्यू अगर इसका नंबर दिया होता कॉन्फ्रेंस का सेकंड कॉन्फ्रेंस थर्ड कॉन्फ्रेंस तो पहले थर्ड फिर कॉलन लगा के डेट फिर कॉलन लगा के प्लेस प्लेस अच्छा क्लियर ऐसे भी ठीक है ना यस सर जो कॉन्फ्रेंस जिस थीम से जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसका नाम कॉन्फ्रेंस ऑन लेजर्स एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स फिर सर्कुलर ब्रैकेट में उस कॉन्फ्रेंस का नंबर अब कॉन्फ्रेंस ये थोड़ी है कि एक ही हुई है उसके ऊपर फिर दो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड सिक्स ऐसे होती है ठीक है जैसे अभी हमने कराई थी लास्ट में बताया था आपको हमने सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई थी एशिया अगर ये सेकंड कॉन्फ्रेंस होती तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेकंड ऐसे और फिर डेट फिर कॉल लगा के जहाँ हुई है उसका नाम और फिर ब्रैकेट क्लोज ठीक है ऐसे लिखते हैं कॉन्फ्रेंस की फिर अच्छा क्लासिफिकेशन नंबर तो दे दो ये वाला 6 2 1 3 6 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
of papers something summaries of papers at the sara likhna hai aapko at the conference on laser and electro optics held on May 8th 1994 pura likhna hai जैसे सर कॉमा वॉमा लगा था सेम जैसा लिखा वैसे सेम वैसे ही लिखा पूरा टाइटल लिखा है फिर मत लिखिए सर ठीक है एज इट इज पूरा कहां तक पूरा यहां तक कैलिफोर्निया तक कैलिफोर्निया तक ठीक है यस सर हां यहां से स्टार्ट करते हैं वो क्योंकि ये पूरा उस लाइन में नहीं है अब देखो ये भी आ गया एक चीज नहीं कि अगर यहाँ पूरा नहीं आ रहा ना जो भी स्टार्ट होगा यहाँ से लिखना है ठीक है नई चीज नई लाइन से स्टार्ट करेंगे सेकंड कंटिन्यूएशन में यहाँ से लिखेंगे ठीक है पूरा लिख दिया टाइटल जो भी था इसका बहुत लंबा है खुद लिख देना समरीज ऑफ पेपर प्रेजेंटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑन लेजर ऑप्टिक्स इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स कन्वेंशन सेंटर एनएम कैलिफोर्निया पूरा लिखने के बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा और फिर आएगा स्पॉन्सर्ड बाय ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका ठीक है ठीक है ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ स्पॉन्सर्ड बाय ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका अमेरिका अच्छा और इसमें वो भी है इन कॉपरेशन विद ये भी लिखेंगे स्पॉन्सर्ड बाय ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका कॉमा आई ट्रिपल ई लेजर एंड ऑप्टिक सोसाइटी सोसाइटी एंड इन कॉपरेशन विद क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन ऑफ ये सब पूरा लिखेंगे यूरोपियन फिजिकल सोसाइटी इसी में सर स्पॉन्सर है नहीं है अरे एक मिनट काम हो रहा है हां तो
जो बताया था दो पार्ट के लिए कंटिन्यू और नेक्स्ट पार्ट बस ऐसे ही ग्रुप तक ठीक है और फिर वही लास्ट में आकर के डॉट स्पेस डैश फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन में वॉशिंगटन डीसी और नेम में वही आ जाएगा ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका और कॉमा 1994 ठीक है लिखना सब है फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन में पेजेस आ जाएंगे पहले इनिशियल पेजेस कॉमा 523 और साइज आ जाएगा सेमी कॉलन लगा करके 28 सेंटीमीटर देखो इसमें आई एस बी एन नंबर दे रखा है तो यहाँ पर ऑप्टिकल सोसाइटी ISBN और ऐसे ही लिख देंगे कोलन 1557523 41X ठीक है अब ट्रेसिंग सेक्शन लास्ट में सारी चीजें आ गई हैं इसमें लास्ट में ट्रेसिंग सेक्शन उसमें सर्किट बता रहा है ऑप्टिकल फाइबर्स का है 621 नाइस थिंग लेजर्स ऑप्टिकल फाइबर्स पूछ सकते हैं वही सब्जेक्ट बना देंगे और इसमें एक क्या देना है जहां हम ऑथर्स की बनाते थे ना एडिट एंट्री इसमें स्पॉन्सर्स की बनाते हैं इसमें दो तीन स्पॉन्सर्स हैं कौन कौन से हैं एक है ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका एक किसकी बनी है यूरोपियन सोसाइटी और IEEE लेजर एंड इलेक्ट्रो सोसाइटी इनकॉर्पोरेशन और तीसरा क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन ऑफ यूरोपियन फिजिकल और एक है जापानीज क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक जॉइंट ग्रुप चारों की एडिट एंट्री में ठीक है क्लियर ठीक है सर बस बस पे टाइटल एंट्री बनता ना तो एक सब्जेक्ट की बन गई और इन चार की बनेगी सर सब्जेक्ट में क्या डालें हां सब्जेक्ट में सब्जेक्ट में बताया तो है ऑप्टिक्स यही तो आया स्पॉन्सर सब्जेक्ट 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 का क्या आएगा 621 ऑप्टिक्स का है ऑप्टिक्स अप्लाइड साइंस एक दे देना एक ऑप्टिक्स दे देना ठीक है दो सब्जेक्ट है देखो अप्लाइड साइंस ऑप्टिक्स अप्लाइड साइंस नो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दे देना इलेक्ट्रॉनिक्स दे देना ठीक है क्लियर जल्दी अभी मल्टी वॉल्यूम की और बता दूं इसके बाद में सर वो आपने बता दिए मल्टी वॉल्यूम का बता दिया फिफ्थ सर उसमें बैक वॉल्यूम बनी है उसमें कुछ दिया ही नहीं है किसमें फोर्थ में फिफ्थ में फिफ्थ में सर टाइटल सर फाइव वो तो जनरल की ये रोमन नंबर्स में ना अभी ये हो गया ना अभी आप सब सारे जो डाल उसको क्या नाम और क्या बोल रहे हैं यार हाँ इलेवन रोमन नंबर्स ठीक है अब उसके बाद फिर स्पॉन्सर्ड हाँ चलो
नाम क्या है तुम्हारे? टाइटल फिफ्थ है के असाइनमेंट में, ठीक है? सबसे पहले क्लासिफिकेशन नंबर दे दिया 505, ठीक है? और इसमें बुक नंबर नहीं दे रखा कोई भी, क्योंकि जर्नल है कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी टाइटल होगा उस जर्नल का टाइटल एंट्री बेसिक ही बनती है, हेडिंग सेक्शन में उस जर्नल का टाइटल आ जाएगा। जैसे ये जर्नल जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो एज इट इज आ जाएगा जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? अब आ जाएगा बाई या फिर YouTube लिंक क्या कभी देख लिया तो मैं बना लेता, मेल करते हैं, मेल कर दूँगा, मतलब मेल से आ जाएगी सब, नहीं जाएगी तो कभी बोला ना सेक्शन में कर लेना आधा। अरे ये सब कैसे बता रहे हो, पढ़ कर लो ना, देख लो पैसे में लग रहे हो। तो जर्नल का टाइटल आ गया, जर्नल में फर्स्ट वॉल्यूम का वॉल्यूम 1 डालेंगे और जो फर्स्ट वॉल्यूम का ईयर ऑफ पब्लिकेशन वो दिया होगा टाइटल, नहीं दिया होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी और लेटेस्ट पब्लिकेशन दिया होगा और ये बताया होगा स्टार्टेड इन फला फला ईयर, तो फर्स्ट ईयर का वो डालेंगे आप वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम का ईयर डालेंगे, याद रखना हमेशा। और ईयर ऑफ पब्लिकेशन में भी फर्स्ट वॉल्यूम का डाल याद रखना। फिर मैंने आपको उस दिन बताया था कैलकुलेट करना है एज पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कि एक साल में कितने वॉल्यूम्स आ रहे हैं और अब तक कितने आ गए, वो सब चीजें इसमें लिखनी है। तो ये चीज तो आ गई सारी, यहाँ तक आपका आ गया, ठीक है? अरे अच्छा, इसमें देखो एक चीज है, इसमें लेटेस्ट पोजीशन नहीं बताई गई कि कब तक परचेज हुआ है, है ना, कहीं नहीं दे रखा। तो जहाँ हम फिजिकल डेस्टिनेशन में पेजेस देते थे बुक्स के, जितने भी पेजेस होते थे, तो अगर वो लेटेस्ट पब्लिकेशन वो वॉल्यूम जो लाइब्रेरी में मौजूद है, अगर इसकी इंफॉर्मेशन होती, सपोज ये कहते कि लाइब्रेरी है 48 वॉल्यूम, तो हम यहाँ पर वो चीज़ लिखते 48 वॉल्यूम ये देते,
इसमें दे नहीं रखी है, इसमें तो सिर्फ फर्स्ट वॉल्यूम की बात की। लेकिन अब क्या देना है हमें इसमें, अगर दे होता तो ऐसे देते, नहीं दिया हुआ। और हमें क्या देना है इसमें, ये सब करने के बाद अगर वॉल्यूम दिया होता लेटेस्ट तो वो देते, नहीं दिया है तो इसके छोड़ दिया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देनी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या है मंथली, ये देखिए। अगर 2018 दिया होता ना, अब ये 2000 टिल परचेज टिल 2018, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली है, यानी एक साल में 12 और 1976 से स्टार्ट हुआ है, तो ये कैलकुलेट हमें करना था, यानी 1976 से 2000 तक कितने हो गए, 14 साल हो गए, 24 साल ये हो गए, प्लस 2018 तक, तो 18 साल मल्टीप्लाई में 12, जितने टोटल वॉल्यूम्स होते हैं। लेकिन इसमें डे नहीं रखा है, लेटेस्ट पोजीशन क्या है, सही लिखनी पड़ेगी जी, कैलकुलेट करके लिखते हैं। अगर डे रखा होता और दिया हुआ होगा ज्यादा, इसमें नहीं दिया हुआ तो उसको स्किप कर दिया, ठीक है। बस इसमें अब फ्रीक्वेंसी दे दी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, अब जो नोट सेक्शन आता है बताया था ना, इसने क्या दे दिया, लाइब्रेरी लेक्स वॉल्यूम 10 टू 15, लेक्स माने नहीं, कमी नहीं है, तो एज इट इज ये चीज लिख देते यहां पर नीचे ब्रैकेट, लाइब्रेरी लेक्स लेक्स वॉल्यूम 10 टू 15 सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। टेस्टिंग सेक्शन में हुई जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्योर साइंस, प्योर साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी होगा शायद मेरे ख्याल में, देख लेना एक बार, नहीं तो प्योर साइंस कर लेना, प्योर साइंस या साइंस ही कर, एक ये हो गया। और दूसरा स्पॉन्सर का आता है, स्पॉन्सर इसमें दिए नहीं रखा है, तो बस यही बना देना, बस दो बनेंगे इसे। अगर स्पॉन्सर दिया होता कि स्पॉन्सर्ड बाई ए ऑफ एनिथिंग, तो स्पॉन्सर्ड का, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा मेन एंट्री है, मेन एंट्री में जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, बहुत है, कोई दिक्कत, क्लियर, ठीक है सर। अब नोटबुक मटेरियल का एक और बता देता हूँ, लास्ट में समाप्त होता है, ठीक है सर। नोटबुक मटेरियल का मैं वॉल्यूम का तो बताया था सर, जो भी नोटबुक मटेरियल है उसकी कैटेगरी सर्कुलर ब्रैकेट में लिखनी है। अगर वो
साउंड रिकॉर्डिंग है कैसेट्स वगैरह तो ब्रैकेट में साउंड रिकॉर्डिंग नॉन वोक के लिए ऊपर और मैप है तो मैप आ जाएगा एटलस है तो ब्रैकेट में एटलस आ जाएगा ये सिंपल है साइंस में आ जाएंगे जो थे अगर स्टैंडर्ड साइंस किसी का दे रखा है तो जो सीडी का स्पेसिफिक स्टैंडर्ड साइज होता है वो साइंस में दे देंगे जैसे बुक का साइज है तो इसमें जैसे एग्जांपल है ना 30 पावर हिट्स मेगापिक्स कॉम्पैक्ट डिस्क है ये सीडी जो तुमने उसी का एग्जांपल है इसकी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो वर्ल्ड डिजिटल साउंड लिमिटेड बॉम्बे तो प्लेस भी दे दी वर्ल्ड डिजिटल साउंड लिमिटेड इसका नेम भी दे दिया और 1995 इसका ईयर भी दे दिया पैटर्न इसका ही है 30 पावर 8 मेगापिक्स कॉल नंबर 784.5 एक्सेशन नंबर दे रखा है कंटेन 30 सॉन्ग्स ठीक है और ये 1 2 3 4 5 ये कंटेंट इंफॉर्मेशन है जैसे वॉल्यूम्स की इंफॉर्मेशन है इसके अंदर ये कंटेंट है तो ये वही जैसे मल्टी वॉल्यूम में देते थे ना कंटेंट वॉल्यूम 1 2 3 इसमें सीडीज में ये देंगे कंटेंट्स नंबर वन ये जैसे देखो ये कंटेंट्स नंबर वन नंबर टू ऐसा ठीक है बस एक अलग से क्या है इसमें इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन नंबर जो दे रखा है क्लासिफिकेशन नंबर लिख दिया 784.5 एक्सेशन नंबर 3487 ठीक है और टाइटल इसका बन जाएगा पावर 784 जो है ना उस टाइम म्यूजिक का म्यूजिक आर्ट्स कल ही तो है म्यूजिक तो पावर हिट मेगा मिक्स जो इसका टाइटल था अब क्या है ये इसको ब्रैकेट में देंगे हम साउंड रिकॉर्डिंग है साउंड रिकॉर्डिंग अगर कोई मैप होता तो यहाँ मैप आ जाता ठीक है इसमें सॉन्ग्स है बेसिकली तो सॉन्ग उसकी कैटेगरी देनी है ब्रैकेट्स बस ये होता है नॉन रिकॉर्डिंग मटेरियल ठीक है बाकी सब चीजें एज इट इज आ जाएंगी तो उसमें कहाँ से वो हुआ है वो सारी चीजें प्लेस और नेम फॉर पब्लिशर में वही वर्ल्ड डिजिटल ये मेरे पास निकाल लिया देखो इसमें तो एडिटर दे नहीं रखा कंपोजर होता है साउंड यस कंपोजर होता है तो अगर कंपोजर दे रखा होता तो स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में टाइटल के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा करके कंपोज्ड बाय एडिटेड बाय राइट इसमें नहीं दे रखा इसलिए नहीं दिया मैंने अगर कंपोजर साउंड रिकॉर्डिंग का कंपोजर होता है भाई आप अगर अपने चॉइस के कोई सॉन्ग्स डिफरेंट मूवीज के लेना चाह रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हर मूवी के सारे सॉन्ग एडिट हों तो इस फिल्म से लिया मैंने सॉन्ग इससे लिया नहीं मैं अपना कंपोजर हो गया तो मैंने करके एक पर्टिकुलर कैसेट में उसको रिकॉर्ड करवा लिया तो आई एम नॉट ए नाउ ए कंपोजर तो मैंने उसको कंपोज कर लिया एक सारे सॉन्ग्स को एक कैसेट उसको अपने हिसाब से कोई टाइटल दे दिया लव सॉन्ग सैड सॉन्ग टाइटल दे दिया तो मैं कंपोजर हो गया टाइटल हो गया सैड सॉन्ग कंपोज भाई मेरा नाम आ जाएगा और जहाँ मैंने बनवाया वो सब चीज़ें क्लियर तो इसमें जो कि दे नहीं रखा है दिया होता तो टाइटल के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा के कंपोज बाई या एडिटेड बाई क्लियर अगर मूवी होती है सीडी होती है कैसेट मूवी की तो यहाँ पर आ जाता उस मूवी का नाम टाइटल जो है प्रोड्यूस्ड बाय कैटेगरी उसकी क्या है वो ये तो साउंड रिकॉर्डिंग में क्या होता वीडियो रिकॉर्डिंग और फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा करके जिसने भी डायरेक्टेड बाय प्रोड्यूस्ड बाय दोनों इंपॉर्टेंट है तो डायरेक्ट बाय
ठीक है, क्लियर? यस। और जहाँ बनी है मूवी वो जिस स्टूडियो में बनी है उसका नाम आ जाएगा, और जिस ईयर में बनी है वो ईयर आएगा। लेंथ में जितने घंटे की रील है वो दे रखी होगी नहीं नहीं साइज़, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, क्लियर? बस। और मूवी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी बता दें। अब ये थोड़ी है कि मूवी जैसे ये जैसे स्पेसिफिक फिल्म्स बनती है, शॉर्ट फिल्म्स, बायोग्राफी के बायोग्राफी में डॉक्यूमेंट्रीज शॉर्ट मूवीज उसका हो सकता है, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर की एडिट एंट्री, अगर यह कंपोजर होता तो एडिट एंट्री, अब चूंकि नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन उन्होंने अलग से दे दी कि कंटेंट ये है, तो इन सब का इंफॉर्मेशन हमें देनी है। ये तो हो गया स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन। तो उसमें ये है कॉम्प्लेक्स लिस्ट सीडी है, किस फॉर्म में वो फॉर्म देनी है, और कितनी है वन सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी है, सीडी है कॉम्पैक्ट डिस्क। अच्छा, और इसमें लेंथ हाँ 30-60 मिनट की कहीं लिखी है, अलग से डाली होगी, अलग से दी है तो 60 मिनट, ये कहीं और से मिली होगी। देखो अगर टाइम मैं एक इन जनरल एक बात बता रहा हूँ आपको याद रखना, सपोज इसको तो भूल जाओ, बुक है, बुक में किसी ऑथर का एब्रीविएशन दे रखा है बी के शर्मा, एज ए मेन ऑथर आपने डाल दिया शर्मा कॉमा बी के, टाइटल पेज पे बी के शर्मा है। और अगर बुक में आपने ज़्यादा ही आप डेडिकेटेड पर्सन है प्रोफेशन के, अगर आपने देख लिया नहीं कि मुझे बी के शर्मा की फुल फॉर्म पता करनी है, भवानी कुमार शर्मा या कोई भी हो, भानु कुमार शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, वो इन्फॉर्मेशन मिल गई, यानी वो इन्फॉर्मेशन हमने टाइटल पेज नहीं अदर देन टाइटल पेज से हम लेकर गए हैं, लेकिन है वो सही, तो उस इन्फॉर्मेशन को हमेशा सर्कुलर ब्रैकेट में देते हैं, याद रखना। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन बाहर से हम लेकर के आए, बाहर यानी बाहर बाहर से नहीं बुक के बाहर टाइटल पेज से अलावा हम लेकर के तो हमेशा सर्कुलर ब्रैकेट में देना। ये जो इसने सर्कुलर ब्रैकेट में दिए बाहर से लिए है, यानी 60 मिनट्स की इसकी लेंथ है, या इंग्लिश लेंथ 60 मिनट्स। ठीक है, तो 60 मिनट्स की है कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, ठीक है। और इसका साइज, अब जो भी साइज होगा स्टैंडर्ड साइज अगर उसने दे रखा है, तो स्टैंडर्ड साइज डिस्क का कितना होता है, सीडी का 3.5 इंच की होती है, पता नहीं होती, इसमें 5 इंच का दे रखा है, तो स्टैंडर्ड साइज वो भी देख लेंगे किताब में, तो 5 इंच है तो 5 ये दे देते हैं। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या है, डिस्क है, वीडियो कैसेट होता तो वीडियो कैसेट, सीडी है तो कॉम्पैक्ट डिस्क, कितने घंटे की कितने मिनट्स की मूवी दिया और कितना साइज है उसका वो दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो चीजें हैं वो दे दी इसमें, देखो इसमें दे रखा है कंटेंट्स, अब इसमें आपको सारा देना है, जो भी है इसका अजीब सा नाम है सॉन्ग्स का नाम, अब जो भी सॉन्ग्स के नाम होंगे उसके टाइटल जो होगा सॉन्ग का वो आपको कंटेंट में देना है, कि कंटेंट यानी रखती है ये सीडी क्या, नंबर वन उस गाने का टाइटल, फिर टू उस गाने का टाइटल, थ्री जितने भी दे रखे होंगे वो सब कंटेंट में ये करना, ठीक है। यहाँ खत्म हो गया, यहाँ इस बिल नंबर की जरूरत ही नहीं देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आगे सब्जेक्ट हेडिंग, अब किस चीज से रिलेटेड है ये, म्यूजिक से रिलेटेड सब्जेक्ट हेडिंग इसकी म्यूजिक, इसमें ना कंपोजर है ना एडिटर, अगर सपोज कंपोजर एडिटर होता तो उसका नाम आ जाता, एडिटर का भी नाम आ जाता, टाइटल की क्यों भी बनेंगे नहीं, क्योंकि टाइटल की इतना बनेंगे नहीं, ये दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो है क्या वो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन देनी है,
जो नॉर्मल कंट्री है उसकी कैटेगरी क्या है, और नीचे उसको पूरा खोल के बताना है कि सीडी है या फ्लॉपी है, या डीवीडी है, मतलब ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, साइज क्या है, और क्या क्या कंट्री है। सर स्टोन और लीव सब में क्या लिखते हैं? लीव्स जैसे माइक्रोफिल्म्स है, माइक्रोफिश फिश सब लीफलेट्स होती है। जैसे आप सोचो कि पहले लेक्चर्स होते थे क्लास में, तो वो आता था ना डिस्प्ले, वो प्लास्टिक की शीट्स पे, वो क्या बोलते थे उसको, ए फोर साइज की प्लास्टिक की होती थी, और उसका डिस्प्ले ऊपर आ जाता था और लाइट से जलती थी, प्रोजेक्टर वो लीफलेट में पूरा अभी भी होता है, एक पेज दो पेज जाना है वो जाओ, डीटीसी थोड़ा सा जा रहा हूँ, मोटा मोटा समझा देता हूँ, आसान रहेगा, जिसको जाना है वो जाओ। और जाना मत यार, एक मिनट मेरा फोटो लेना है सबके साथ, सर के साथ लास्ट ही तो है, लास्ट है, लास्ट है सर, आप ही रुक जाओ, सारा सिलेबस आप ही करा दो, बहुत याद करेंगे आपको, मिस सो याद करेंगे, फोन नंबर नहीं है सबके पास, मजा आता है सर, आप ऐसे पढ़ाते तो है ना, 228 229 सर, 229 तो आईसीटी था, वो ये आईसीटी फंडामेंटल कैटलॉगिंग क्लास सर का ऑफिस सर, बस सीरियसली इसको भी समझ लो, देखो हां सर असाइनमेंट जिन्होंने फर्स्ट टाइम कैटलॉगिंग करी है, आपने फर्स्ट क्लास करी है, मैंने अच्छे से समझाया, कोशिश करी है, अब आप लोग आए हैं, या तो आपकी कमी कम लो या मेरी बदकिस्मती कह लो कि आप फर्स्ट टाइम आए हो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग इज़ अ मेन पार्ट ऑफ लाइफ, जो भी चीज़ें हैं सिर्फ इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, बाकी काम कोई नॉन प्रोफेशनल भी कर सकता है, सर्कुलेशन का वर्क है, बुक का इशू रिटर्न है, कोई भी जनरल आदमी कर लेगा, बुक परचेज करनी है, बिल का मेंटेनेंस करना है, ऑर्डर कैसे करना है, नॉन प्रोफेशनल आदमी आराम से कर लेगा, लेकिन कैटलॉगिंग सिर्फ लाइब्रेरी प्रोफेशनल ही कर सकता है, और क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी प्रोफेशनल ही कर सकता है, इसलिए कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन सबसे मेन पार्ट है लाइब्रेरी, ठीक है, मैंने कोशिश करी, एक बार आप अच्छे से रिवाइज करना, कोई दिक्कत हो